हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमकॉम यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स। अगर आप परस्यू कर रहे हैं यूपीआरटीओसी तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर या आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इससे आपको क्लियर होगा आपका एग्जाम पैटर्न और आपको पता लगेगा किस तरीके से आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस पूरे रहते हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि प्यार से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाता है। सो गाइस, बात करती हूँ क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट का आपका मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है 70 और इसके अंदर आपको टाइम 3 आवर्स दिया जाता है। और यहाँ पर बात करी जाए टोटल क्वेश्चन की तो टोटल 6 क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं। सेक्शन ए में चॉइसिस भी मिलती हैं, उसमें से 3 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन बी में से 1 और सेक्शन सी में से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो सेक्शन ए आपका लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट होता है जिसमें आपसे 16 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहां पर पूछा गया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल्स। आपको यहां पर कॉन्सेप्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस बतानी है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए इंडिया में। ये 16 मार्क का क्वेश्चन है। वर्ड लिमिट आपकी 800 to 1000 वर्ड्स दी गई है, पर यहां पर वर्ड लिमिट कुछ भी चेंज आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना ही आंसर 4 to 5 pages में आंसर करना है, मीन्स 4 to 5 pages फ्रंट एंड बैक साइड कंबाइंड। जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूं आपके 2 to 2.5 pages में आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप हाफ पेज ब्लैंक छोड़ सकते हैं ताकि आपको बाद में कुछ लाइंस ऐड करनी हो तो आप कर दें टाइम बचने के बाद। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो पूछा गया था व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो पूछा गया था हाउ विल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप इन बिटवीन इंडियन कल्चर एंड बिजनेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। तो ये 3 क्वेश्चन से नेक्स्ट आपको 5 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं जिसमें से आपको 3 आंसर करने हैं सेक्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस इन डिस्चार्जिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेक्शन ए में राइट एक्सप्लेनेटरी नोट कॉम्पिटिशन पॉलिसी पर आपको एक नोट लिखना है। अब यहाँ पर आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और आपका 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव बीन टेकन रिसेंटली, एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, इसमें से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आपका 10 मार्क्स के लिए 2 to 3 pages का आंसर हो जाना चाहिए, मीन्स 2 to 3 pages कंबाइंड बोल रही हूँ फ्रंट एंड बैक साइड दोनों को ज्वाइन करके, यानी कि 1.5 पेज में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अब लास्ट सेक्शन रहता है आपका सेक्शन सी जिसमें से आपको 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। इनमें से आपको दो अटैम्प्ट करने होते हैं, एक नहीं। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको शॉर्ट नोट लिखना था एनवायरमेंट लॉ पर, नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर एंड लास्ट था इंडस्ट्रियल इकोलॉजी। तो इन तीनों में से आपको जो सुटेबल लगे आपको उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना था। आपको गाइस ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने लेने हैं अगर आपका बिजनेस एनवायरमेंट का एग्जाम है, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उम्मीद रखती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।